सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है वो अभी कन्वर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिक में। जी हाँ दोस्तों, कुछ यहाँ पर जो अपडेट निकल के आए इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, जो कि विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी साउंड एंड विदाउट एनी वाइब्रेशन की यह इलेक्ट्रिक बुलेट जो होने वाली है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन क्या अपडेट निकल के आए, इस वीडियो में कम्प्लीटली उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर एंड आप देख रहे हैं स्पेशल इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल राइड विद मयूर। रॉयल इनफील्ड की बात करें तो आखिर आप सभी को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी को अक्सर जो है रॉयल इनफील्ड के बारे में पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर जो काफी बढ़िया तरीके से पिक पावर वगैरह लेती है जो कि पेट्रोल में पहले अवेलेबल है, जल्दी आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने वाली है। तो रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पर जो इस कंपनी की तरफ से नहीं होने वाली, इसकी जो अलग कंपनी होने वाली है पोटॉन कंपनी की तरफ से यह इलेक्ट्रिक बाइक हमारे इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। कुछ इसके फीचर्स वगैरह एंड इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करते हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक बाइक की जो आपको यहाँ पर जो स्पीड की बात करें तो स्पीड आपको यहाँ पर जो है 112 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड अवेलेबल होने वाला है, जो कि पिक पावर की बात करें तो काफ़ी अच्छा पिक पावर मिल जाता है। मोटर की आपको यहाँ पर जो है 14 किलोवाट की मोटर अवेलेबल होने वाली है। रेंज की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक बुलेट की आपको यहाँ पर जो रेंज मिलने वाली है 128 किलोमीटर की वन चार्ज में। तो आपको इसमें जो है लिथियम आयन सेल्स की जो है बैटरी जो होती है वो आपकी फिट जो है बैटरी उधर की है, जो कि फुली रिमूवेबल बैटरी होने वाली है एंड लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी इसमें अवेलेबल होने वाली है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो रेंज देने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाली है एंड इसमें आपको फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो फेंसेंसी, GPS वगैरह ट्रैकिंग, वो सारे फीचर्स आपको इस इलेक्ट्रिक बुलेट में आपको अवेलेबल होने वाली है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार ये मतलब रॉयल इनफील्ड की जो जैसी बुलेट थी वैसी पिक पावर इतना नहीं दे पाएंगी, बट दोस्तों वैसा नहीं है। आपको इसमें जो मोटर जो है 14 किलो वाट की आपको मोटर इसमें अवेलेबल होने वाली है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पिक पावर देने वाली है एंड 112 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड अवेलेबल होने वाला है रेड से। तो इस बुलेट में आपको यहाँ पर जो डिफरेंट थोड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक में इतना आपको पावर नहीं मिले जितना आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक से हम पेट्रोल में यहाँ पर जो कंपेयर करें। तो गाइज, हमें अगर बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में, ये लॉन्च कब होने वाली है, इसके प्राइस कितना होने वाला है। सो प्राइस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं किया। जल्दी यहाँ पर जो इंडिया में अनवील्ड होने वाली है, अनवील्ड होने के बाद यह इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में हमारे लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो है पूरे इंडिया में डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्ट इस इलेक्ट्रिक बुलेट के लेने के लिए तो आपको क्या लगता है इसका प्राइस कितना होना चाहिए एंड कितना प्राइस हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों, ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। मैं मिलता आपको ऐसे ही कुछ अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।